साथ ही ये पक जाएगा। डाल लेते हैं चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम जी, क्या हाल चाल हैं जी? तो सारे आंदे ठीक ठाक हो? अल्लाह पाक से सारे को खुश रखे जी। और छुट्टियां मेरी काफ़ी हो गई हैं, वो इस वजह से हुई हैं क्योंकि घर जो है अब फिनिशिंग पे है, और फिनिशिंग की कोई इतनी स्ट्रगल होती है क्योंकि कितनी कैटेगरी के काम होते हैं, और हर कैटेगरी के काम वर्कर से मत्थामारी करना, उनके साथ काम कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। और ये आजकल मेरे और मेरे बेटे के ज़िम्मे हैं। हम या मेरे हस्बैंड आ जाते हैं तो फिर वो सुबह से निकलते हैं और सारा दिन सिर्फ गाड़ी 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 और लोगों मुख्तलिफ शॉप्स पे जाना और मुख्तलिफ काम देखने, और फिर मार्केट में आज कल इतना ज़्यादा कंपटीशन है, न्यू से न्यू चीज़ें आई हुई हैं, और इतना सोचना कि क्या करना चाहिए, ये लगाना चाहिए या ये नहीं लगाना चाहिए, इस प्रोसेस में भी बहुत टाइम लग जाता है। फातिमा आजकल इतनी इग्नोर हो रही है बेचारी, या तो अगर गाड़ी में हो फिर ना तो वो खेल सकती है, ना सही से कुछ खाती पीती है, और इतना ज़्यादा ही उस पर मतलब ज़्यादा इग्नोर हो रही है। तो फिर उसके बाबा जब आते हैं ना तो उसके लिए बहुत से खिलौने और मतलब चीज़ें वगैरह लेके देते हैं। कुछ देर के लिए हम उसे घर पे अकेला भी छोड़ देते हैं, तो अम्मा के साथ भी छोड़ देते हैं, तो ये है कि चलो वो खिलौने के साथ खेलती रहती है, थोड़ी बहल जाती है। तो अब खैर उसकी एडमिशन का भी प्रोसेस में है, तो इंशाल्लाह जल्दी उसका स्कूल में एडमिशन भी हो जाएगा। तो बस मुख्तलिफ काम है, मैं कह रही थी कि ये एक दफ़ा से मुकम्मल हो जाए तो मेरा जहन एक तरफ काम करे तो मैं फिर रूटीन लाइफ में आ जाऊँ। अभी मैं अपनी रूटीन लाइफ को बहुत मिस कर रही हूँ। मैं इतना ज़्यादा मेंटली तौर पे थक चुकी हूँ ना कि मुख्तलिफ काम कराना और फिर बीसियों चक्कर लगाना शॉप्स के तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर सबकी पेमेंट क्लियर कराना, फिर सबसे बात करना, फिर किसी चीज़ की कमी पेशी हो जाए फिर उसे दोबारा लेना, तो ये बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो आज फातिमा को ये वाली डॉल लेके दी थी कलर वाली, ये कहीं इसने खुद ही देखी थी तो ये इसके बारे में इतना इंसिस्ट कर रही थी कि मैंने यही लेनी है। तो मैं तो खुद हैरान थी कि ये क्या चीज़ है, मतलब ये कैसे काम करती है। ये थी कि ये पिंक थी और इसको इसी बॉक्स मतलब डब्बे में डाल के ना इसमें सिंपल पानी डाल के तो इसको बस ऐसे जगलिंग करना था। तो ये अभी इस पर सारा ही इसका जो पिंक है ना वो उतर जाएगा और फिर इसकी जिस्म से जो मतलब जो पूरी बॉडी है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, और फिर इसे ये कपड़े पहनाएगी और जो इसका कॉस्ट्यूम वगैरह उन्होंने दिए हैं वो पहनाएगी। तो ये इसे ख़ुद को शौक़ था, तो मैंने देखा देखो आजकल कैसी कैसी न्यू खिलौने आ गए हैं। बच्चों से ज़्यादा तो हमें क्यूरियोसिटी होती है कि ये कैसे काम करते हैं या ये कैसे खिलौने हैं। मार्केट से आते हुए ना कुछ फ्रूट ले आती हूँ, उनमें मीठे भी हैं। मीठे मेरे अम्मी को भी खैर शौक़ से लेती हैं और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है और मुझे भी। आजकल तो वैसे बहुत ही ज़्यादा मीठे हैं ये और इतने सस्ते हैं, तो हेल्थ वाइज भी ये बहुत अच्छे हैं। तो जितने हो सके उतने खा लें क्योंकि ये बहुत ही सस्ते हैं। तो बस ये मैं ले आती हूँ, इकट्ठे ले आती हूँ, 5-10 किलो इकट्ठे ही ले आती हूँ। आजकल मार्केट में बहुत अच्छे फ्रूट आए हुए हैं, आम भी वैसे है, अभी ख़त्म तो नहीं हुआ लेकिन है सही, लेकिन अब शायद खा खा के इतना थक गए हैं कि अब उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। अब उसके अलावा जो है ना मीठे हो गए, केले हो गए, अंगूर, अमरूद, सेब बहुत अच्छे आए हुए हैं, गरमा, ये बड़े अच्छे बहुत ही हेल्थी ये फ्रूट आए हुए हैं, तो ये ज़्यादा ले लेती हूँ।
आते हुए कुछ सब्जी कम थी तो वो भी लेती आई थी, इनको भी मैं टोकरियों में निकाल के रख दूंगी। और सुबह क्योंकि जुम्मे है तो जुम्मे वाले दिन भी कुछ ना कुछ ऐसे बना लेती हूँ। आजकल वैसे सफ़र का महीना भी है, जुम्मे जुमेरात भी है, तो थोड़ी बहुत सदका खैरात तो जुम्मे वाले दिन कोशिश करती हूँ कर लेती हूँ, या तो परिंदों को जाके दाना डाल लेती हूँ, या खुले पैसे करा के वो लोगों में दे देती हूँ, या हो सकता है अगर इतनी हिम्मत होती है तो घर भी बना लेती हूँ। तो आज ही रात को ही मैंने सारी तैयारी करके रखी थी, बीफ लेके आई थी तो उसकी भी यखनी बना के रखूँगी। फातिमा ने बड़ी ज़िद करके अपने ये मोटर बाइक ली है, अच्छी भी बड़ी लग रही है इसे, बस कुछ दिन चलाते हैं फिर बच्चे जब इनका दिल भर जाता है फिर ये छोड़ देते हैं, तब बड़ा अफसोस होता है कि इतने पैसे लगते हैं और ये सही से खेलते ही नहीं है। हमें खिलौने मिलते ही नहीं थे, हम तरसते देखे ऐसे खिलौनों से खेलने के लिए, इन्हें मिलते हैं फिर कुछ दिन खेलते हैं फिर इनका दिल भर जाता है। ये बिजली से चार्ज होती है, रात को मैं इसे चार्जिंग पे लगा देती हूँ, सुबह उठ के जब जितना इसका दिल करता है खेल लेती है, फिर गली वाले बच्चे भी आ जाते हैं वो भी खेल लेते हैं। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में, मैंने रात में जो बीफ मतलब मैंने गला के रखा था रात को, फिर मैंने ऐसे ही रख दिया था। मौसम थोड़ी सी ठंडी हो गई है तो शुक्र है कि सुबह बिल्कुल ठीक था, तो दोबारा मैंने अभी इसके नीचे आग जला दी है, तो जितनी अगर कोई कसर रह गई है गोश्त में तो वो गल जाएगा, और उतनी देर में मैं चावलों का मसाला तैयार कर लेती हूँ, साथ में दाल का मसाला तैयार कर लेती हूँ। वेट टॉवल से मैं दिन में कुछ दिन तीन चार मरतबा चूल्हा साफ़ करती हूँ, और ये इसकी बैक वाली जो टाइल्स हैं ये साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि खाने के पार्टिकल जैसे इस पर उड़ते हैं ना तो वो फिर जम जाते हैं, अगर उसे साफ हाथ के हाथ साफ़ ना करूँ ना तो वो फिर काफ़ी ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, उन्हें फिर हटाने में मसला होता है। अगर साथ में नरम नरम हो तो फिर हटाती जाऊँ ना तो फिर इतना मसला नहीं होता, इतना गंद नहीं होता। तो साथ में मैं अभी चावल चढ़ा देती हूँ और दाल की भी तैयारी कर लूँगी। मैं चने की दाल और गोश्त बनाऊँगी, साथ में मैं राइस बनाऊँगी, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा उसमें मीट डालूँगी, सिर्फ टेस्ट अच्छा हो जाए इसका, बाकी मैं ऐसे ही बनाऊंगी। इसमें वैसे मैं चावल का मसाला बना रही थी, मुझे थोड़े से प्याज ज़्यादा लग रहे थे, मैं निकाल रही थी अभी, मैंने सोचा कि चलो उसके काम आ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी यखनी में मैंने पूरा मसाला डाल के उसको मैंने यखनी बनाई है। यहाँ पे मेरे चावल भी साथ साथ में बन रहे थे, और मैं उसके साथ दाल के जो गोश्त है उसको भी भूनने के लिए मैं मसाला तैयार कर रही थी। गैस का टाइम बिल्कुल शॉर्ट होता है तो मुझे जल्दी जल्दी से यह काम करना होगा, तो चावलों का मसाला तो मैंने चढ़ा दिया है, साथ में अभी दाल के मसाले के लिए भी प्याज बना रही हूँ, और अभी मैंने इसमें डाल दिए हैं टमाटर, चावलों के लिए टमाटर भून के, और उसके साथ मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा गोश्त, गोश्त को भून लूँगी, और जो यखनी है बड़े गोश्त वाली वो भी उसमें से निकाल के इसमें डाल दूँगी, ताकि अच्छे से गोश्त भुन जाए, इसकी हीक वगैरह निकल जाए, चावल फिर बड़े अच्छे से बनते हैं उनमें हीक नहीं होती। बड़े गोश्त का थोड़ा सा ये मसला होता है, इसको ये कि भुनाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, तो मैंने अभी इसमें डाल लिया है थोड़ा सा गोश्त, और ये वाला जो गोश्त है इसको अलग भून के। बना रही थी, मैंने फिर शिफ्ट कर दिया था क्योंकि वो बर्तन छोटा था, तो इसमें मैं अभी बनाऊंगी दाल का। ये वाला बर्तन मुझे छोटा लग रहा था तो मैंने फिर उसे शिफ्ट कर दिया था, तो चावल मैं अब उसमें बना लूंगी, क्योंकि चावल तो मैं बना रही हूँ, दो कप उसमें पूरे हो जाएंगे। अम्मी आज बड़े अच्छे कपड़े पहने, कपड़े नहीं पहनती, बड़े होते पहनती नहीं, आज बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं ना, इधर आ दुपट्टा कोई नहीं हो पावो ना, चलो अच्छा बहुत है, किन्नो डाल लेते हैं चावल। और ये मसाला बना के ना, ये भी बर्तन छोटा है बेटा, ऐसा मिर्च अंदर चार है, ये भी बर्तन छोटा है, तो ये ऐसा करती हूँ मसाला भून के ना, जो दाल बाहर बॉईल हो रही है उसी में ही डाल देती हूँ, तो मेरा इंशाल्लाह इंशाल्लाह गैस के खड़े खड़े काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। Gracias.
ये मैंने गोश्त जो है ना अलग से ये मैंने इसको भून लिए, अब ये इसी में शामिल कर दूंगी, इसी के साथ ही ये पक जाएगा। थोड़ी देर बाद दाल भी तैयार हो जाएगी। नान वैसे ही मैं बाहर से ले आऊँगी, कबूतरों को दाना डालने जाऊँगी ना तो नान लेती आऊँगी। बस इस तरह से चावल घर में खा लिए थे और सालन पक गया था, कुछ बांट देंगे कुछ घर में खा लिया जाएगा। तो नमाज का टाइम था, अम्मी ने आज सूट बड़ा अच्छा पहना होता है, शहजादी सी लग रही थी। जब अच्छे से कपड़े पहनते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है, कपड़ों को पहनने में बड़ी कंजूसी करती हैं, कपड़े सही नहीं पहनती, कभी कोई दुपट्टा ले लेती है कभी कोई। तो चावल पे यहाँ पे दम खोल लूँगी, तो चावल भी अच्छे बने थे। नमाज का टाइम हो गया था तो नमाज पढ़ के चावल खा के उसके बाद मैं जाऊँगी कबूतरों को दाना डालने, कबूतरों को दाना डाल आऊँगी और फिर साथ में घंटे घर से नान भी लेती आऊँगी, क्योंकि नान वहीं से ही अच्छे मिलते हैं। तो नान लेके आ रही थी तो रास्ते में फिर मुझे फ्रूट बहुत अच्छे लगे, मैंने कुछ और फ्रूट भी ले लिए, क्योंकि इस साइड पे इतनी चीज़ें मिलती हैं ना खाने पीने की और बड़ी अच्छी फ्रेश फ्रेश सी। तो थोड़े से अंगूर ले लिए थे, थोड़े से मैंने आड़ू ले लिए थे, सेब भी ले लिए थे, उनको भी मैं निकाल के रख दूँगी, क्योंकि इस शॉपर में सुबह आधे गले आड़ू निकाल दे थी। और अम्मी यहाँ पे बस अभी बांट रही थी दाल और नान, बस थोड़े से ही, अब बच्चे आएंगे अभी सारा ले जाएंगे। गैस की वजह से शाम हो गई, क्योंकि दाल को गलते गलते बड़ा टाइम हो गया था। शाम हो गई है जी, मेरी वीडियो की भी अब एंड हो गया है जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। वीडियो मेरी पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। शाम को देखिए मेरा घर कैसा लगता है आपको। अल्लाह हाफिज़।